परीक्षा में पास होने के लिए छात्र पढ़ने के सिवा बाकी सब कुछ कर रहे हैं। परीक्षा को खुश देना, उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करना जैसे काम कर रहे हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश में मूल्यांकन चल रहा है। परीक्षकों को कॉपियों में उत्तर कम और संदेश पढ़ने को ज्यादा मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, कॉपियों में 100 से लेकर 500 तक के नोट भी मिल रहे हैं। ऐसे ही एक कॉपी में छात्र ने एक अजीबोगरीब संदेश लिखा है, जिसे पढ़ परीक्षक हंस हंस के लोटपोट हो रहे हैं। इंटर के एक छात्र ने लिखा है कि वे पूजा को बहुत प्यार करता है। उसने लिखा, ये मोहब्बत भी क्या चीज है, ना जीने देती है ना मरने देती है। सर, इस लव स्टोरी ने पढ़ाई से दूर कर दिया है। इस मैसेज के सिवा छात्र की पूरी उत्तर पुस्तिका में कुछ नहीं लिखा था। उसकी कॉपी की तरह उसका दिमाग भी पूरा खाली था। उसके मुताबिक इसमें पढ़ कर उसने तैयारी नहीं की और परीक्षा में बैठ गया। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो अपनी लव स्टोरी ही लिख दी। परीक्षक उसकी लव स्टोरी पढ़ हंस भी रहे हैं और अपना माथा भी पीट रहे हैं। ऐसे एक नहीं कई छात्र हैं, जिनकी कॉपियों में उत्तर कम और संदेश ज्यादा है। एक छात्र ने लिखा है कि मेरे पिता नहीं हैं, मुझे कभी बाप का प्यार नहीं मिला, इसलिए मैं अच्छे से परीक्षा की तैयारी नहीं कर सका। इसके अलावा छात्रों ने और कई कारनामे किए हैं। एक छात्र ने लिखा, गुरुजी को कॉपी खोलने से पहले नमस्कार, गुरुजी पास कर देना। कॉपियों में पैसे मिलने के लेकर मुजफ्फरपुर जिला निरीक्षक मुकेश कुमार ने कहा कि कई कॉपियों में नोट मिल रहे हैं। इसके अलावा छात्रों ने पास करने के लिए संदेश भी लिखे हैं।